राजस्थान के कई जिलों में आज भी मेघ झूमकर बरसे। कई जिलों में सड़कों पर पानी का भराव हो जाने की वजह से वाहन चालकों को, राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम खुशगवार हो गया, मौसम का मिजाज बदल गया। इन इलाकों में कई दिनों बाद लोगों ने भीषण गर्मी से चल रही परेशानी से निजात पाई। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद में अति भारी वर्षा और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर और नागौर में भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं 30 जून को जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर बरसात का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3-4 दिन जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश के साथ अति भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 3-4 दिन मेघ गर्जन के साथ बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ ईस्ट राजस्थान में भी अति भारी वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। बाकी पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया में आपका भारी वर्षा आज रहेगी। जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, इन सभी राज्यों में आपका अति भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश की राजधानी जयपुर के कई हिस्सों में मेघ जमकर बरसे। वहीं रूपनगढ़ में भी जमकर बारिश हुई, यहां करीब 1.5 घंटे बारिश हुई। खेत खलिहानों में भी पानी भर गया, इससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। वहीं बीकानेर में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, बारिश के चलते यहां कई सड़कों पर पानी भर गया। बीकानेर में आई तेज बारिश के चलते रेलवे स्टेशन, डाक बंगले के आगे सड़कों पर पानी भर गया। पानी के बीच से गुजरते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से कई सड़कें पानी से लबालब रहीं, पानी की सुचारू निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर यह पानी काफी देर तक भरा रहा। पानी के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। पानी में वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे, पानी के कारण वाहन बंद भी हुए। पानी से सड़कों के लबालब रहने से आम जन परेशान दिखाई दिया। पब्लिक पार्क, रेलवे स्टेशन के अंदर तक पानी आ गया। नागौर के मुंडवा के लाखोलाव तालाब में इस साल की पहली बारिश में झरने के रूप में पानी बहने लगा। वहीं केलवाड़ा क्षेत्र में भी झमाझम बारिश हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के महत्वाकांक्षी पेयजल प्रोजेक्ट के तहत बने गोतावर बांध में पहली बार बारिश का पानी आया। बांध में पहली बार पानी की आवक को लेकर आसपास के गाँव के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। क्षेत्र के वस्तवा, डेरिया, भालू, मेरिया के छीतर पहाड़ी इलाके में अच्छी बरसात से बांध का जल स्तर बढ़कर 7 मीटर तक पहुंच गया है। गोतावर बांध पर पानी की चादर चलने की उम्मीद है। गोतावर बांध में पानी की अच्छी आवक से लोग काफी खुश हैं।